हेलो जी, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम लोग जा रहे हैं सैडल बैग लेने के लिए। बाइक अपनी रेडी है और उसमें सैडल स्टे जो है वो भी लगा हुआ है। से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मैंने पिछले बारिश में ही लुविया का सैडल स्टे लगा दिया था। अभी कुछ दिनों में या फिर कुछ हफ्तों में राइड है, तो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि सैडल बैग जो है वो ले लेता हूँ। तो अभी बज रहे लगभग 4:30 होके गए हैं, तो अभी निकलते हैं शाम के टाइम पे है। और आज संडे है तो होपफुली ज्यादा ट्रैफिक मिलेगा नहीं, क्योंकि हम लोग को मुंबई सिटी की तरफ जाना है। मैंने को रेडी कर लिया है गोप्रो लगा के, उसमें थोड़ा सा मुझे ताम झाम करना था, तो इसलिए मैंने ये हॉट गन जो होती है वो मैंने यूज की। और अपना जो एडाप्टर है, एडाप्टर और जो गोप्रो का स्टिकर है वो मैंने इसे अच्छे से चिपका दिया है। ग्लव्स मेरे रेडी है और गोप्रो का बैग नहीं, ये मैं नहीं लेके जाऊंगा, सिर्फ ग्लव्स लेके जाऊंगा। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने गलती कर दिया, टैंक बैग मैंने लाया नहीं, तो टैंक बैग अगर लादा तो मैं ये भी कैरी कर। आप सोच रहे कि आज का जो व्लॉग का शुरुआत है वो मैंने कहाँ से किया है। ये है नेत्रा ऑप्टोमेट्री क्लिनिक, यहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ आई टेस्टिंग की। तो अगर आप अंबरनाथ में रहते हो तो यहाँ पे विजिट कर सकते हो आई टेस्टिंग के लिए, मैं आपको मिलूँगा यहाँ पे। मुझे ये कैरी करना था एक्चुअली, इसमें मेरा गोप्रो का बैटरी है और मेरा चार्जर वगैरह भी है और मुझे ये लेके जाना था। तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरा ये जो टैंक बैग का ये जो बेस है इसके अंदर इसको डाल के लॉक कर देता। आई नो मुझे एंगल ऐसा चाहिए था और एंगल थोड़ा भी नीचे हो गया। फिलहाल शाम का वक्त है, सूरज देवता जो है वो ठीक हमारे सामने है। लग गया यार उनको, शिट। बैठो उधर, उधर इधर हो, इधर हो, इधर बैठो, आ जाओ इधर बैठो इस पे। मेरे सामने लेफ्ट साइड में एक ऑटो है, वहाँ पे दो बहुत ही ज़बरदस्त कोट लिखे हैं। वहाँ पे पहला है, ज़िंदगी में एक उसूल याद रखना, पहचान सबसे रखना पर भरोसा सिर्फ खुद पे रखना, ये एक वहाँ पे कोट लिखा। और दूसरा नीचे लिखा है, मतलब की दोस्ती को दूर से सलाम। देखो मैं बोल रहा था ना आज संडे है, उसके बाद भी ट्रैफिक मिलने के चांसेस है, तो ये देखो ऐसा है। निकल निकल निकल, बाइकर्स लोगों का एक फ़ायदा है भाई, पतली गली भी मिल जाए तो हम लोग निकल जाते। बाय 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 बाय, जाने दो ना बाय। 4:22 को मैं निकला था और अभी 5:22 होने को सिर्फ 10 मिनट बाकी। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय टाइगर सर, थैंक यू सो मच। सो गाइस अभी रात हो रही है तो मैं सैडल बैग्स आपको क्लियरली नहीं दिखा पाऊंगा, कल मॉर्निंग में थोड़ा बहुत जो है वो शूट करता हूं, कंप्लीट करता हूं और कल मॉर्निंग में व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। ये है हमारे सैडल बैग्स वाइटरा की तरफ से, कॉन्डोर 2 अप 32 लीटर ईच। ये 32 लीटर का है और वो 32 लीटर का है, मतलब दोनों मिला के 64 लीटर हो गए। ये इसका रेन कवर आप बोल सकते हो, जो अलग से मिलता है इसके साथ ही मिलता है। तो ये निकालने का ऐसे, इसके साथ ये ग्लव्स फ्री नहीं मिलता, ये मैंने रखा था। और कुछ ऐसा लुक है, ये देखो बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे पीछे रिफ्लेक्टर्स भी है और इसका ब्रांडिंग है। यहाँ पे आप शूज़ वगैरह रख सकते हो अंदर, आपको अगर अभी अच्छे से खोल के बताऊँ तो ये देखो ये अंदर का कुछ व्यू है ऐसा। और ये जो बैग है ये मोस्टली रेनप्रूफ के लिए, अगर आपको आपके कपड़े भिगाने नहीं है तो पहले इसमें कपड़े आपको पैक करने होते और फिर इसमें रखने का और फिर ये बंद करने का। और उसके अलावा ये भी आप लगा सकते हो ताकि ये बैग भी ना भीगे। तो काफ़ी अच्छा बैग है और मेनली ये साइलेंसर को टच नहीं होता है, अगर आप देख सकते हो तो साइलेंसर और इसमें काफ़ी ज़्यादा गैप है। मैंने अभी थोड़ा लूज़ फिट किया तो इसलिए ये गैप कम है, वरना ऐसे ऊपर इतना गैप रहता है तो ये साइलेंसर को टच नहीं करता है। ये कुछ लुक है विदाउट जो कवर है, मैंने अभी कवर निकाल दिया दोनों साइड का, अभी बहुत सही लग रहा है। अभी इसकी फिटिंग की अगर बात करूँ ना तो दो स्ट्रैप्स आते हैं, यहाँ पर एक स्ट्रैप है, ये आप सीट के नीचे भी डाल सकते हो, और यहाँ पर एक स्ट्रैप है जो बैग को होल्ड करके रखता है, और पीछे एक ये वाला स्ट्रैप है जो बैग को आगे पुश होने से रोकता है, ये वाला स्ट्रैप। और
यहाँ पे ये एक स्ट्रैप है इस तरफ जो बैग को बोल सकते हो आप पीछे जाने से रोकता है, तो मैं एकदम स्नग फिट है, बहुत अच्छे से एकदम टाइट फिट रहता है और सेम यहाँ पे भी दिया हुआ रहता है यहाँ पे, तो फिटिंग मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे भी आपको होल्डर मिल जाएगा नेट वाला, आप बॉटल पानी का बॉटल या फिर ऐसे मतलब कुछ कपड़ा वगैरह नैपकिन वैपकिन रखना है वो रख सकते हो। यहाँ पे आपको ये वाला मिल जाता है जहाँ पे आप शूज़ वगैरह रखना है तो वो रख सकते हो। तो बाहर भी एक यहाँ पे चेन है, अगर इमरजेंसी में अगर कुछ आपको खोलना है रखना है तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखने के लिए। और ये मेन कंपार्टमेंट तो आपको मैंने बताया था, ये मेन कंपार्टमेंट है, तो काफ़ी स्पेशियस है। अगर आप हफ्ते भर के लिए ट्रिप के लिए जा रहे हो और अगर दो लोग भी है तो इनफ है। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, आप कमेंट करके बताओ कि आपको ये लुक कैसा लग रहा है। पैनियर्स मैं इसमें नहीं ऑप्ट कर रहा था, बिकॉज कैसा है कि ये अपाचे है और अपाचे में पैनियर्स के साथ इतना अच्छा दिखेगा नहीं अपाचे में, तो मैंने पैनियर्स इसलिए लिया नहीं। इसमें हम टॉप बॉक्स लगा सकते हैं लेकिन पैनियर्स इतना खास दिखेगा नहीं, इसलिए मैंने पैनियर्स नहीं लिया। टॉप बॉक्स मैं लगाने का सोच रहा हूँ, वो थोड़ा ये जो मेरा ट्रिप होने वाला है उसके बाद मैं टॉप बॉक्स ले लूँगा शायद। बट सैडल बैग जो है वो काफ़ी अच्छा लुक भी आ रहा है और मेरा लगेज का जो काम है वो हो जाएगा अभी। कल की वारंटी मिलती है स्टिचिंग में या फिर चेन में, अगर कोई भी इश्यू होता है तो आप जहाँ से खरीदते हो या फिर ब्रांड को कांटेक्ट कर सकते हो। और वाइटर का थोड़ा सा जो आफ्टर सेल सर्विस है वो भी थोड़ा अच्छा है, तो वो एक प्लस पॉइंट है। मतलब जो आप, क्योंकि ये सैडल बैग्स है तो अगर इनके यहाँ पे स्टिचिंग में कुछ प्रॉब्लम होता है तो यू कैन क्लेम कर सकते हो, एक साल की वारंटी होती है उस। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। सैडल बैग मैंने इंस्टॉल कर लिए, जो है राइड की प्रिपरेशन चालू है हमारी, सैडल बैग हो गया, मोबाइल होल्डर भी हो गया है और एक दो काम बाकी है वो भी हो जाएगा, तो फिर उसके बाद राइड में थोड़ी आसानी हो जाएगी। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, कमलेश यार अमन यार साइनिंग ऑफ, टेक केयर, खुदा हाफिज। और लास्ट में लीजिए मैं नाम है ना इसका, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये आर के जगह गलती से किसी ने एम कर दिया ना मार्कर लेके। I don't ever slow up, no I don't take shit.